मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एनआरसी नो सीएए नो एनपीआर नो अभियान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वो संविधान को नहीं मानते। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा को लेकर कहा कि वो नेताओं पर टिप्पणी न करें। वहीं सीएम कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा से कन्यादान योजना शुरू करने पर कहा कि पहले जो 51,000 रुपए का वादा किया था उसे पूरा कर देते, उसके बाद अन्य योजना शुरू कर दे। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम कमलनाथ को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा को छोड़कर अन्य जिलों की भी परवाह कर लें, प्रदेश में अन्य जिले भी हैं। आरिफ मसूद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संविधान बन गया है ये उसकी खिलाफत कहलाएगी। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि सीएए का एनपीआर का विरोध जो आरिफ मसूद की तरह के नेता हैं वही कर रहे हैं। बाबा से प्रार्थना है कि नेताओं के बारे में न बोलें, क्योंकि फिर नेता किसी बाबा के बारे में बोलेंगे वो अच्छा नहीं रहता। थोड़ा आध्यात्म को भी देखें, रेत के साथ साथ थोड़ी चिंता आध्यात्म की भी करें। कन्यादान योजना में जो 51,000 किए थे, आज तो कृपा करें, आज तो उन बिचारी बेटियों को वो 51,000 रुपए दिलवा दें जिनकी पिछले साल शादी हुई थी। उनके बेटियों के बच्चे हो गए, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिल गया पर कन्यादान का लाभ नहीं मिला है। तो आज ही कृपा कर दें। जो कुछ कर रहे हैं सब छिंदवाड़ा से ही कर रहे हैं शुरू। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं है, एक जिला हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के और भी जिले हैं, उनकी भी चिंता शायद थोड़ी बहुत आ जाए ध्यान में मुख्यमंत्री जी के, तो अच्छी बात है।